हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे दैट आज का दिन आपका कैसा जा सकता है, एंड ऑल्सो सेकेंड हाफ में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड कुछ चैनल मैसेजेस। सो लेट अस सी आज का दिन कैसा जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी आपको जानना है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पता कर सकते हो। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ रिवर्सल्स टुडे। वन मोर, ठीक है। सो ओवरऑल आज का दिन आपका कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे जानना नेसेसरी है इज दैट आज का दिन कोई भी बड़ा काम अपने हाथों में मत लेना, कोई भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ह्यूज वर्कलोड, ह्यूज सिचुएशन जो आपको लग रहा है आप हैंडल नहीं कर पाओगे, जो आपको लग रहा है आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, डोंट ट्राई टू डू दैट। अपना एनर्जी ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या जिसके बारे में आपको लग रहा है कि आप परेशानी आप फेस कर सकते हो जिस काम में या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिस सिचुएशन में। आई सी दैट आज आप थोड़ा सा आज आप थोड़ा सा चाइल्डिश फील कर सकते हो। आपको लग सकता है दैट आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते या फिर आप कोई ख़ास एक्शन नहीं लेना चाहते। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, आप बहुत कुछ प्लान तो कर रहे हो फॉर द फ्यूचर और कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आई फील आप प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि कोई पार्टी या फिर कोई किसी टाइप का आउटिंग या फिर वैकेशन या कोई प्रोजेक्ट या कोई एग्ज़ाम, वट एवर इट इज़, आप काइंड ऑफ प्लानिंग कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले इतना बड़ा नहीं कर पाओगे चीज़ें, या फिर हाउ विल यू मैनेज, या प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप रेडी नहीं हो। बट आई सी दैट अगर ये डेस्टिन्ड इवेंट है, अगर ये आपका डेस्टिनी से रिलेटेड है, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जिसे आप काइंड ऑफ आप मजबूर है, आप उस रॉक बॉटम को टच कर चुके हैं, एंड अगर आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो कि मेरा ये काम कर दो या मेरा ये मैंने अपना 100% दिया है तो इस बार अगर मैं नहीं हो पाया मेरा काम देन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है एंड आप यूनिवर्स से बोल रहे हो मुझे फर्स्ट क्लास मुझे पास करना है, इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी प्रेयर जो आपको यूनिवर्स से आप कर रहे हो, आई फील उसका हेल्प आपको यूनिवर्स भेजेंगे। सो उस प्रेयर का आंसर आपके पास आएगा, वो प्रेयर आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे आज। बट प्रोवाइडेड कि आपने अपना 100% दिया है, अपना हार्ड वर्क दिया है एंड पूरा सब शिद्दत से आपने किया है काम। ऑल्सो आई फील दैट आज आपका इनर चाइल्ड जो है उसे आपकी ज़रूरत है। या तो ये आपका इनर चाइल्ड है या तो ये आपका रियलिटी में आपका चाइल्ड है। अगर आप किसी के माँ बाप हैं तो आपका जो बच्चा है उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकता है आज, किसी भी काम के लिए हो सकता है, किसी भी टाइप का हेल्प हो सकता है। ऑल्सो आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ यू आपको अपने बच्चों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है, स्पेशली उनका मेंटल हेल्थ। ओके, वो क्या चाह रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वरी अबाउट, नॉट वरी अबाउट, आई एम सो सॉरी, नॉट वरी अबाउट बट यू नीड टू थिंक अबाउट। उन्हें मे बी आपकी ज़रूरत है एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ फादर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम या इशू आप फेस कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, आई फील इट इज़ टाइम कि आप उसके बारे में सोचें या फिर यू काइंड ऑफ थिंक ऑफ समथिंग, आप एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ओवर थिंक ना करें, वरी ना करें, बट आप काइंड ऑफ एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। अगर ये आपका इनर चाइल्ड है, आई सी दैट आज आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पाओगे या आपको फील नहीं होगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करना चाहोगे, आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए बिताना चाहोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको जो करना अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों में। सो इट इज़ ओके, समटाइम्स अगर आपको एक दिन अपने लिए निकालना है, अगर आपको खुद को थोड़ा सा
पैम्पर करना है, अगर आपको खुद का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, आई फील इट इज़ ओके, इट्स नॉट बैड और एनीथिंग। सो अगर आपको वो करना है आप बेशक कर सकते हो। सो आज का दिन बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मेच्योरिटी वाला सिचुएशंस अवॉइड अगर कर सकते हो करना बेहतर होगा, नहीं कर सकते देन नो वरीज, फेस करो सिचुएशन को, हेल्प आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। आई ऑल्सो सी कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में स्टक है, लेट दैट बी योर करियर, आपका लव लाइफ, हेल्थ इश्यूज, वॉट एवर इट इज़, फैमिली सिचुएशन, बट आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में स्टक है, इस सिचुएशन में मेरे लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं है एंड आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो उस चीज़ को लेके, आई सी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप मैनिफेस्टेशन करें, या फिर ये एक बहुत अच्छा समय होगा दैट यू काइंड ऑफ अपने एनर्जी को सही बैलेंस में लेके आए, बिकॉज आई सी दैट आप निराश होते जा रहे हो, आप होप छोड़ते जा रहे हो, आप काइंड ऑफ पीछे हट रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो अपने आप को सिचुएशन से या रियलिटी को फेस करने से, एंड आई फील यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे यही कहेंगे डोंट डू दैट, बिकॉज आप इतना रास्ता जब चल के आए हो, भरोसा रखो यूनिवर्स पे, जो भी होगा आपके साथ वो आपके भले के लिए होगा, एंड अगर सिचुएशन इस वक्त स्टक है देन आपको बहुत जल्दी मूवमेंट भी आएगा एंड आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके बहुत सारे प्रेयर के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, मे बी समथिंग बेटर इज़ देयर आउट देयर फॉर यू। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे यही कन्फर्म कर रहे हैं आज दैट वो जो भी कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं एंड वो जो भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो और भी बेहतर है उन सारी चीज़ों से जिसके लिए आप इस वक्त रो रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी डोंट वरी अबाउट इट। करियर वाइज अगर मैं देखने जाऊँ, सिचुएशन थोड़ा सा स्लो है, मूवमेंट्स थोड़े से कम है, मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है दैट यू नो मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, या थोड़ा सा टेंशन में है कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज़ को लेके, या फिर कम्प्लीटली स्टक फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आई फील उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी दैट विद दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इट इज़ टाइम कि आप जितना भी प्रिपेयर किए हो, लाइक आपके पास जो भी है आप काइंड ऑफ उसमें सैटिस्फाइड रहे फिलहाल, एंड ऑल्सो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को थोड़ा सा प्यार दो, अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा इमोशंस डालो अपने आप के अंदर दैट इट्स ओके, खुद के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, खुद को इतना ज़्यादा कंपिटिटिव मत बना लो दैट आप भी खुद के ऊपर उतना ही ज़्यादा हावी हो रहा है जितना दूसरा लोग हो रहा है। सो डोंट डू दैट, अपने साथ पार्शियलिटी मत करो कलेक्टिव, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, आपका डेली मैसेज आज के लिए, एंड अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी आपके नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू टुडे, एंड मैं आपसे यही कहूँगी दैट अगर आप इतने तक के लिए बने हुए थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप आगे भी जाना चाहते हो, अगर आप नेक्स्ट सेगमेंट में मूव ऑन करना चाहते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी दैट वॉट इज़ द नेक्स्ट सेगमेंट सेइंग, दैट इज़ इस पर्सन की करंट एनर्जी एंड फीलिंग क्या है आपके लिए इस वक्त, ओके। यू हैव द सेवन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देर हैज़ बीन अ कम्प्लीशन, देर हैज़ बीन एन एंडिंग हियर। सो ये जो एनर्जी है आई फील ये एक एक्स का एनर्जी है, आज का जो एनर्जी है आई फील ये वो पर्सन है जिनके साथ कुछ एंड हुआ है, जिनके साथ एक हिस्ट्री है, जिनके साथ कुछ एंडिंग्स हुए हैं, कुछ इमोशनल लॉस है, पेन है, हार्ट ब्रेक है, एक्सपेक्टेशंस का टूटना है, कनेक्शन फ्रेंडशिप का टूटना है। सो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है फिर आपका रीडिंग ये है, अगर आपको लग रहा है ऐसा आपका सिचुएशन नहीं है तो फिर आज का रीडिंग आपके लिए नहीं है, मे बी कल का हो सकता है।
सो अगर आज बात किया जाए यहाँ पे, ये जो एंडिंग हुआ है, ये जो एंडिंग हो रहा है कुछ लोगों के लिए, आई सी हियर, वो इसलिए है बिकॉज़ किसी ने यहाँ पे ओपन अप करने से इनकार कर दिया, किसी ने यहाँ पे एक्शन लेने से इनकार कर दिया, किसी ने ये सोचा दैट ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, किसी ने इस एंडिंग को मैनिफेस्ट किया है अपने बातों से, अपने एक्शन से, या तो अपने अपने थॉट्स के द्वारा, किसी ने बहुत जल्दी हाल छोड़ दिया, एंड आई थिंक ये आपके पर्सन है। किसी बात के लिए इस पर्सन को लगा दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जो ऑलरेडी पानी में है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो शुरू होने से पहले या जो कहीं पहुंचने से पहले ही डूब गया। किस लाइक आपके पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में बहुत सारे राज थे, बहुत सारा फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है। इस पर्सन को लगता है दैट आपने इनसे किसी बात के लिए झूठ बोला, आपने थर्ड पार्टीज रखा, या आपने इनके पीठ पीछे आप इनके बारे में गॉसिप किए, या फिर आपने ऐसा कुछ किया जो इनको सही नहीं लगा, जो इनको गुस्सा दिलाया, या जो इनको लगा दैट यू नो ये शक हो सकता है, शायद आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, बट इस पर्सन को ऐसा ऐसा इनका भ्रम हो रहा है। सो वट एवर इट इज़, इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफेंड किया है, इस पर्सन को लगा है दैट ये जो भी आपने किया वो सही नहीं था। आई ऑल्सो सी इस कनेक्शन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके कान भर रहे थे, जो काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच में आ रहे थे, जो काइंड ऑफ इस कनेक्शन में इश्यूज डाल रहे थे ये लोग, या ठीक है, या फिर आपके पर्सन के आसपास कोई ऐसी एनर्जी थी जो एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, लाइक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एनर्जी काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे थे, जो कंटिन्यूसली उनको ये बता रहे थे दैट ये कनेक्शन उनके लिए नहीं है, या इस कनेक्शन में क्या क्या गलतियां हैं, लाइक रेड फ्लैग्स क्या है। सो देर वॉज अ ह्यूज मैन्यूपुलेशन जो चल रहा था इस पर्सन के ऊपर, कोई मैनिपुलेट कर रहे थे इस पर्सन को, या बहुत सारे लोग थे जो कंटिन्यूसली इस कनेक्शन के बीच में आते गए एंड दिस डिड नॉट वर्क आउट। आई फील ये पर्सन आज भी उस कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, ये पर्सन आज भी इनको लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये इसे फिर से एक दोबारा ट्राई देना चाहते हैं, बट ये तब तक नहीं कर सकते जब तक ये एनर्जी रहेगा दैट इस सिचुएशन में सब सही नहीं है, या ये सिचुएशन सही नहीं है, ये सिचुएशन ही गलत है, ये कनेक्शन ही गलत है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरा यकीन है, भरोसा है दैट ये कनेक्शन कभी हैप्पी नहीं हो सकता, कभी फुलफिल नहीं हो सकता। इसी ये और एक चीज़ है दैट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन हो सकते है जिन्हें सोशल इमेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे मे बी ये एक फेमस पर्सन है, फेमस इन द सेंस सोशल पर्सन है, सोशल मीडिया वगैरह इन्फ्लुएंसर वगैरह, या फिर ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड मे बी उनके वैल्यूज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, मे बी आप दोनों का कल्चर डिफरेंट है, सो वॉट एवर इट इज़, आई फील दैट ये वो पर्सन है इस वक्त जिन्हें लग रहा है दैट ये किसी के अगेंस्ट जाके आपके कनेक्शन को नहीं बचा सकते, या ये कनेक्शन ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी में है दैट ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी एक फेल्ड कनेक्शन है। इस पर्सन को बुरा लगता है ये सोच के, इनके बस में होता तो ये फिर से एक बार ट्राई लेना चाहेंगे, बट इस वक्त आज का जो एनर्जी है, आज का जो फीलिंग है दैट इज़ इस पर्सन को लगता है दैट ये पूरा एक लॉस है, ये पूरा एक वेस्ट था, अपने इमोशन का वेस्टेज है, या अपना टाइम एनर्जी मनी वट एवर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है इस पर्सन का इस कनेक्शन के लिए, लाइक दिस वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और दिस वॉज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड इस कनेक्शन को कभी होना ही नहीं चाहिए था, लाइक इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये काइंड ऑफ लाइक अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ये काइंड ऑफ पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं सिंपल बातों में।
लेट अस सी दैट चैनल मैसेजेस क्या है, व्हाट आर द चैनल मैसेजेस जो ये पर्सन देना चाहेंगे. दिस कुड बी द वन विद इन अ फ्यू डेज. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एग्जैक्टली जो मैंने कहा आपसे दैट यहाँ पे थर्ड पार्टीज चल रहे थे, कोई इतना कोई था जो इस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा था या मैनिपुलेट कर रही थी, लाइक लोग थे, थर्ड पार्टीज थे इस सिचुएशन में. मे बी अ पर्सन मैरिड है किसी और के साथ है. वी आर बैलेंसिंग एनर्जीज. वी हैव लॉयल्टी, सपोर्ट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. इंटरेस्टिंग. आई फील हियर कलेक्टिव दैट ये पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन. डेफिनेटली 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 ये कार्मिक सिचुएशन है, ये कोई सोलमेट सिचुएशन नहीं है. दिस इज़ समबडी जो इस कनेक्शन को, एक टाइम था जब ये पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल लो या इम्बैलेंसेज बोल लो, ट्रस्ट इशूज हो या जो भी हो, ये पर्सन आधा रास्ता में आके इस कनेक्शन को ये छोड़ के भाग गए. एंड इन्हें लगता है ये कनेक्शन डूबा हुआ कनेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा लॉस वाला सिचुएशन है, ये उनके उनके ज़िंदगी के में एक लॉस है. इसके लिए जिसके लिए ऑब्वियसली इनको बुरा लगता है, ये दोबारा ट्राई लेना चाहेंगे. एंड आई थिंक वो विद इन अ फ्यू डेज ही है, कुछ दिन के अंदर इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट आ सकता है, इस पर्सन से कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आज नहीं तो कुछ दिनों के अंदर. बट आई सी हियर दैट ये फिर से कोशिश करना चाहेंगे, इन्होंने चाहे ये जितना भी हाल छोड़ चुके हो बट एक बार लास्ट ये ट्राई करना चाहेंगे. बट आई थिंक इस पर्सन का ऐसा ही सिचुएशन है कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है ये सिचुएशन, ये किसी चीज़ को इन्हें छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा या इनको अपने वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा या इनको लाइक पूरा एक 180 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी किसी और डायरेक्शन में चल चुके हैं लाइफ में. सो आई फील दैट मे बी राइट नाउ सिचुएशन इस पर्सन के हाथों में है. ये पर्सन का इंटेंशन तो है कुछ करने का, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब ये रेडी होंगे, जब ये फील करेंगे दैट वो ये कर सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस दिस इज समबडी जो काइंड ऑफ इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, जो काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप यू आपको हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड मैं आपसे मिलूंगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में. गुड बाय.